मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अब दूसरा सूत्र, वो कहते हैं कि पित्त की चिकित्सा, पित्त पित्त जिंदगी भर आपका ठीक रहे, आपको तकलीफ ही ना आए, तो कहते हैं देशी गाय का घी खाइए। पित्त को जिंदगी भर सम रखने के लिए अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है सबसे अच्छी, वैसे तो उन्होंने सैकड़ों चीजें बताई, सबसे अच्छी तो उसकी ऊपर की श्रेणी में गिनती है घी। घी माने गाय का घी। भैंस के घी के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ते हैं माने पहलवानी करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, पहलवानी करते हैं, वो घुमाते हैं, इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये गाय का घी कभी ना खाएं, ये भैंस का ही घी खाएं, क्योंकि होना ही उनको भैंस के जैसा है। आपके लिए नहीं है, आप सदगृहस्थ हैं, ना आपको कुश्ती लड़नी है, ना आपको पहलवानी करनी है, ना आपको दंड बैठक लगानी है, ना आपको रेस जीतनी है, आपको तो जीवन अपना चलाना है ठीक तरीके से, तो आपके लिए है गाय का घी। और पहलवान जो कुश्ती लड़ रहे हैं, अखाड़े में दंड बैठक लगा रहे हैं, मुगदर घुमा रहे हैं वगैरह वगैरह, इनके लिए है भैंस का घी। भागवत जी कहते हैं कि वो अगर गाय का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और आपने अगर भैंस का घी खाया तो आप तकलीफ में आएंगे। तो जिंदगी भर पित्त आपका ठीक रहे, पित्त से होने वाली बीमारियां ना हो, तो आप गाय का घी खाते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।